हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वीपीएन क्या है, ठीक है। और मैं आपको वीपीएन के बेस्ट ऐप्स बताऊंगा चार पांच इस एंड्रॉयड फ़ोन के लिए जो आप यूज कर सकते हैं फ्री के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले वीपीएन क्या है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क के बीच एक, यानी प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क यानी जो इंटरनेट होता है वो प्राइवेट नेटवर्क यानी जो वाईफाई, इसको सुरक्षित करता है वीपीएन। और आप वीपीएन ऐप्स के माध्यम से जो ब्लॉक साइट है जो अपने देश के अंदर नहीं चलती है, दूसरे देश में कोई साइट, वो आप वीपीएन के जरिए चला सकते हैं ब्लॉक साइट भी, ठीक है। तो मैं आपको बेस्ट वीपीएन साइट बता रहा हूँ यानी ऐप्स। तो चलिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, ठीक है। और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है टर्बो। देखिए टर्बो वीपीएन आ चुका है ऊपर। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाकर। देखिए 10 मिलियन डाउनलोड से 4.7 रेटिंग है, काफ़ी अच्छा है टर्बो वीपीएन, मैंने यूज किया है इसका, ठीक है। तो ये वीपीएन आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में जाकर। और सेकंड है, उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना है ड्रॉइड वीपीएन। देखिए ये आ चुका है, ये दो नंबर वीपीएन है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा वीपीएन है। 5 मिलियन डाउनलोड से अनब्लॉक रीजन इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन एंड ब्राउजर द वेब, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और थर्ड है वीपीएन मास्टर। देखिए वीपीएन प्रॉक्सी मास्टर 10 मिलियन 4.6 इसकी रेटिंग है। फ्री अनलिमिटेड वीपीएन क्लाइंट टू अनेबल साइट बाईपास एप्स एंड सिक्योर वाइप हॉटस्पॉट, ठीक है। यानी बाईपास ऐप्स यानी आपका कभी कभार जो फेसबुक अकाउंट डिसेबल दिखा था, आप वीपीएन के जरिए उसे वापस ऑन कर सकते हो अपना जो पैलेस है उसका आईपी एड्रेस चेंज करके, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। आप एक ये भी डाउनलोड कर सकते हो वीपीएन मास्टर फ्री, ये भी काफ़ी अच्छा है वीपीएन मास्टर फ्री। तो आप इन वीपीएन को डाउनलोड कर सकते हो फ्री के अंदर, काफ़ी अच्छे वीपीएन है। तो ये चार वीपीएन मैंने आपको बता दिए, काफ़ी अच्छे वीपीएन से आप इनका यूज एंड्रॉइड के लिए कर सकते हैं फ्री के अंदर। और कोई भी अनसिक्योर नहीं है तो सिक्योर है, और आप पैसे में भी खरीद सकते हैं वीपीएन अगर आपको भरोसा नहीं हो तो, खुद की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा है, सिक्योर होना बहुत जरूरी है। आजकल ऑनलाइन जो काम होते हैं उनके लिए वीपीएन वगैरह काफ़ी यूज किए जाते हैं, और अपन भी एंड्रॉइड में काफ़ी काम वगैरह करते रहते हैं तो वीपीएन को यूज करना चाहिए। आप कोई भी साइट, कोई भी ऐसी साइट जो आप खोलते हैं प्राइवेट, ठीक है, तो आप वीपीएन का यूज़ कर सकते हो, या आप आईपी एड्रेस चेंज करके आप कहीं भी कर सकते हो, जापान अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह वगैरह। तो ये कुछ वीपीएन है जो मैंने आपको बताएं। थैंक यू।